पुलिस ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कोरियाडी गांव में एक नाबालिग की हत्या मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 21 फरवरी को नाबालिग अपने घर से लापता हो गई थी और 27 फरवरी को नाबालिग का शव बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि नाबालिग की प्रेमी के दोस्त ने उसे अपने जाल में फंसा कर नाजायज संबंध बनाया, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। इसके बाद सभी ने गर्भपात कराने के लिए अस्पताल में संपर्क किया, लेकिन वहां 10,000 रुपये का खर्च बताया गया। इसके बाद नाबालिग के प्रेमी और उसके दोस्त ने उसे घर से बुलाकर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और शव को दफना दिया। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का की लाश मिली थी। उस संदर्भ में अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जो उसके मर्डरर थे, उनके जो हत्या करने वाले थे, उनमें से दो लोग, एक्चुअल जो दो लोग थे इन्वॉल्व थे, दोनों को गिरफ्तार किया है। और ये प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसमें प्रेम प्रसंग के कारण लड़की के साथ, लड़की के प्रेग्नेंट हो जाने के कारण जो है ये। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के नवोदय चौक सिजुलता में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लेकर फरार बस चालक की तलाश में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में मामूली विवाद के कारण एक ग्राहक ने दुकानदार के भाई को गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में उसे हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया। घायल की हालत खतरे से बाहर है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन कर रही है। जमुई जिले के झाझा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक बीते 4 मार्च को वह शौच करने के लिए घर से निकली, तभी गांव के ही रुपेश नाम का एक युवक उसे अपने साथ तारापुरा जंगल की ओर लेकर चला गया, जहां शादी का झांसा देकर आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पापा यहाँ नहीं था, वो लड़का मुझे मुदाब के ले चला गया था, जकास था, शादी के बहाना लेके चल गया था। हथियार ने कुछ दिखाया, हम घर ने पहुँचे, वो लड़का मुझे पहुँचा दिया था खली पाड़ी, तो बोला यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है, वो चला जा। हाजीपुर के नखास चौक में छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने नाबालिग के पिता और चाचा को चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि सुबह जब छात्रा अपने स्कूल जा रही थी, तभी मनचलों ने लड़की के साथ छेड़खानी की, जिसका लड़की के पिता और चाचा ने विरोध किया था। वहीं इस मामले में पीड़ित का कहना है कि नगर थाना में मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मनचलों के खिलाफ कार्रवाई ना करके पीड़ित के परिजन को ही गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी के बापू धाम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। आरपीएफ पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि शराब को दिल्ली से आने वाली सप्त क्रांति ट्रेन में बुक कर मोतिहारी लाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही शराब की खेप मोतिहारी बापू धाम स्टेशन पर उतारा कि समीप कार्टून में रखी एक शराब का बोतल टूट गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब बरामद कर जांच पड़ताल में जुट गई। आज सप्त क्रांति डाउन सप्त क्रांति जो है 025/58 के रियर से लाल में बुक माल की उतराई हो रही थी, उसी में मेरा कार्यरत स्टाफ जो है वही ड्यूटी में था, जिसको कि अल्कोहल का गंध आया, उसके द्वारा सूचना दिया गया। उसके बाद हम लोग जाकर चेक किए, उसके बाद मेमो दे करके तो उसमें और लखीसराय में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीते रात एक ट्रक से 164 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीएमपी जवानों के साथ थाना अध्यक्ष डीके पांडे के नेतृत्व में एक
वदरपुर एनएच 80 पर एक लाइन होटल के पास ट्रक से शराब बरामद किया। मौके पर एसडीपीओ रंजन कुमार, थाना अध्यक्ष डीके पांडे के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें टीम में थाना अध्यक्ष और अली रंजन कुमार, सतेंद्र सिंह, ओम प्रकाश सिंह और शिक्षु अली राकेश कुमार, इसके अलावा टाइगर मोबाइल और बीएमपी के जवान, ये सब थे। 10 मिनट के अंदर उन्होंने कार्रवाई करते हुए वहाँ पे जाकर छापेमारी की। छापेमारी करने पे एक ट्रक था, वहाँ पे काफ़ी लोग थे और उसको अनलोड कर रहे थे। पुलिस ने वो देखते ही वो भागने लगे, उसमें से एक को खदेड़ कर पकड़ा गया जिसका नाम है शिवटू कुमार, पिता घनपुर महतो। पूर्वी चंपारण के मधुबन बाजार में दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने घटना में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नकाबपोश अपराधियों ने 3 मार्च की सुबह करीब 8 बजे भारत फाइनेंस कंपनी से 11 लाख लूट लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी के पास से 80,000 रुपया, एक कट्टा और चरस मिला है। अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार रांची पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पिठौरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में किसानों की ओर से अफीम की खेती की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अफीम को नष्ट कर दिया है। अब इंस्पेक्टर विनय कुमार यादव ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। है कि बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय रांची को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पिठौरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कतारीवाड़ी गांव में कुछ ग्रामीण लोग अपने बाड़ी में नदी के किनारे चोरी छिपे जो है अफीम की खेती कर रहे हैं, और ये जो अफीम की खेती है, जो अफीम का तैयार होता है, और ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ से ले जा करके बेचते हैं, और जिससे यहाँ के वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ।